हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, अभी हो रहा है शाम का टाइम, 4:30 या 5 बजे थे। तो मैं मम्मी के यहाँ पे थी और अभी हम जा रहे हैं भागवत सुनने। हमारे रोड के उस साइड ना भागवत बैठी थी, तो मन कर रहा था कि जाके थोड़ा सा घूमाए तो अच्छा लगेगा, तो वहीं जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। देखो देखो देखो, कहाँ जा रहे हो? ये देखो, दिखाई देता अभी दिखाई नहीं दिख रहा। ये कितनी जा रही दिखाना तुम आगे आगे चलो आगे चलो यहीं से जाना है ना? मुझे नहीं पता। डुगु तुम ही चलो दीदी के साथ, यहीं से जाना, मुझे भी नहीं पता। हाँ यहीं चलेंगे। तो टेंट लगाइए। नहीं, कल कितने लोग थे? कल शादी हो रही थी। कल अच्छा रहा होगा। कल शादी हो रही, सचिन बता रहा है। खड़े हो जाओ। तुरंत दुमान के पास ले चलो। प्रद्युम्न महाराज दुमान के पास ले गए और प्रद्युम्न महाराज ने उसका काम तमाम कर दिया। प्रद्युम्न दुमान नाम का जो मंत्री था वो मारा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बहाना बताते हैं प्रातः काल उठते ही पांडवों से। पांडवों, आज मैंने रात्रि में खराब स्वप्न देखा है कि द्वारिका में उत्पात मचे, ब्रह्म हत्या तक का पाप दूर हो जाता है। ये उपाय बताया तब फिर सरदार लक्ष्मण तीर्थ यात्रा करने लगे पूरे भारतवर्ष में। सब तीर्थ यात्राएं करते करते पहुंच गए गया। आराम से खाना गिर जाएगा। रुको, इसी में ना देती ना हो, खाओ। मेरे पैंट में ना लगा, नहीं तुमको लगा दूंगी। गया गया है तो पिंडदान करना ही पड़ेगा। यदि कोई प्रयाग गया है तो उसे मुंडन कराना ही पड़ेगा गंगा स्नान में। ये यहाँ की विधा है, नहीं तो पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो ये क्या किए? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की इनका निराकरण। कहते हैं कि घर से युद्ध स्थल में एक मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण चले गए। जैसे देखा तो कहा, अच्छा बड़े भाग्य से कृष्ण तुम मेरे सामने आ गए। साल कहता है, कहता आज तो निश्चित है नयामि पुनरावृत्तिम यदि तिष्ठे ममाकृता। मेरे सामने तुम आ गए, आज मैं अपने सभी मित्रों का बदला चुका लूंगा। बहुत अच्छा हुआ जो। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा भागवत सुन के। और अभी शाम का टाइम हो गया था, 6:30 बज रहे थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। और दोनों बच्चे ना कपड़े नहीं, ठंडी वाले कपड़े नहीं पहने थे ज़्यादा, तो फिर हमें जाना पड़ा। और यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा था। और यहीं से मेरी शादी हुई थी, ये एक पैलेस है। मेरी शादी ना यहीं से हुई थी और यहीं पर ना आज भागवत बैठी है। तो बस प्रसाद ले लेते हैं और फिर जाएँगे घर, क्योंकि ठंड भी हो रही है। तो कैसा लगा ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो बे सब्सक्राइब कीजिए। आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। प्रसाद मिली है, प्रसाद मिल गई हमको, अब हम जा रहे हैं। बाय बाय।